नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी के टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें दो नई चीज़ें कवर करूंगा। एक तो ये कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपके ऑल्ट कॉइन को ज़ीरो कर सकते हैं। आप जानते हैं कई ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके टोकनॉमिक्स अच्छे नहीं है या तो और भी कई रीजन्स हैं कि वो ज़ीरो हो सकते हैं, और एक ऐसा एक एक्शन होने वाला है, एक ऐसा एक इवेंट बन रहा है जिसके कारण कई ऑल्ट कॉइन ज़ीरो हो सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। एज ऑलवेज हम बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी गौर फरमाएंगे। मेरा नाम है रोहित शर्मा, सटोशी स्टाकर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह के यूजफुल कंटेंट आपको समय रहते मिल सके। एज ऑलवेज सबसे पहले हम बिटकॉइन के लोकल ट्रेंड को, रीसेंट ट्रेंड को देखेंगे। और जैसा कि हमने परिभाषित किया था, जैसा हमने आंकलन करके आपको कल परसों और पिछले दो हफ्ते से बताया था कि जो ये रैली है, मेरे विचार से ये फेक रैली थी। जैसे मैंने आपको कायदे से बताया था कि ये ऑरेंज बॉक्सेस की महत्वता बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ चेतावनी दी थी कि एक्सचेंजेस पर वेल्स की जो है अवधारणा ये बन रही है कि वो इस समय डंप कर रहे हैं बहुत सारा बिटकॉइन बेचने की फिराक से, या केवल डराने की फिराक से, वो हम नहीं जानते, बट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं बहुत सारे बिटकॉइन। तो इसलिए मैं बताया था कि हम तभी सेलिब्रेट करेंगे जब $42,000 का बिटकॉइन पार होगा, और तब तक हम थोड़े से यहाँ पर गौर से चलेंगे। और वही हुआ, बिटकॉइन ने एक अच्छी डायरेक्शन दिखाई थी, एक अच्छा पंप दिखाया था दो ढाई दिनों का ड्यूरिंग वीकेंड, पर कल जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अपना डेली ट्रेंड भी देखें तो यहाँ पर भी हमारी कोशिश थी कि शायद हम ऊपर वाली रेड लाइन को चैलेंज करेंगे और थोड़ा ट्रेंड रिवर्स करेंगे, पर वहीं से हम दोबारा रिजेक्ट आकर नीचे वाली रेड लाइन के ऊपर अब थोड़ा सा चुनौती पेश की जा रही है। होपफुली इसी ट्रेंड के अंदर हम रहें, इसी साइकिल के अंदर रहें, नहीं तो हमारा 32,800 का नीचे जो सपोर्ट लाइन है वो टेस्ट हो सकता है, जो पहले भी एक दो दफ़ा हो चुका है। इसलिए मेरी दोबारा से कंक्लूजन वही है जो पिछले करीब एक डेढ़ महीने से चल रही है कि 30,000 जो है वो ऐसा हमारा बॉटम है, 30,000 की रेंज जहां पर हमें एक्यूमुलेट करना है, तब तक हमें खरीदारी नहीं करनी है, और 40-42,000 के आसपास जाके थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है ताकि हमें एक चांस मिले दोबारा से एक्यूमुलेट करने का और मार्केट को टेस्ट करने का कि वो 42,000 तोड़ने की महत्वता रखती है कि नहीं। कल अगर देखें उल्टा हुआ, कल हमने कहा था कि स्टॉक मार्केट अगर नेगेटिव आता है तो बिटकॉइन नेगेटिव जाएगा एंड वाइस वर्सा। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स पॉजिटिव ही दिखाई दिया, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, हल्का सा एक जो ये तीन फोर आवरली कैंडल्स हैं, अगर आपको कल की वीडियो याद हो तो हम 4,418 पर ही थे, कल हल्का सा ऊपर गया बिटकॉइन S&P 500। स्टॉक मार्केट जो फ्यूचर्स खुला था पर उसका कुछ भी जोश या पॉजिटिविटी जो है वो बिटकॉइन ने, क्रिप्टो मार्केट ने नहीं दिखाई। उल्टा क्रिप्टो मार्केट जो है वो 2.5% जो है क्रैश हुआ बिटकॉइन, और बाकी जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं वो 4% से 10% के बीच में जो है क्रैश हुए कल। अब आज शाम का जो है रियल ओपनिंग, कल तो फ्यूचर्स ओपन हुआ था संडे को रात को S&P 500 का, आज जो रियल स्टॉक मार्केट की ओपनिंग है तब देखते हैं क्या होता है। बट मुझे लगता है कि क्रिप्टो में जो है थोड़ी सी मार्च तक, जो मैं आपको कल भी वीडियो में बताया था, माफ़ कीजिएगा, S&P 500 में मार्च तक थोड़ी सी डर का माहौल रहेगा, क्योंकि जो जेरोम पावल ने, फेड के हेड ने जो अनाउंस किया कि वो रेट हाइक करेंगे, तो S&P 500 तो बहुत ज़्यादा धमाके नहीं करने वाला। आई एम नॉट सीइंग S&P 500 गोइंग टू 5,000 लेवल्स यहाँ से एटलीस्ट मार्च तक। तो बिटकॉइन को थोड़ा सा इसलिए संभल के चलना होगा, और मुझे लगता है कि एक बार वो जो क्रैश आएगा हल्का सा S&P 500 में, जिसके कारण बिटकॉइन भी गिरेगा, तब हमारे पास एक मौका होगा बाय करने का। अगर यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन को भी देखें तो ये जो कल रात का समय था जब S&P 500 फ्यूचर खुले हैं, तब बिटकॉइन ने अपना थोड़ा सा मोमेंटम गिव अप किया, जो कि उम्मीद थी कि अगर S&P 500 पॉजिटिव खुलेगा तो बिटकॉइन भी पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो इस समय वेल मैनिपुलेशन है, जो रफ्तार है बिटकॉइन के ऊपर जाने की वो कम है, नीचे आने की रफ्तार ज़्यादा है। तो इसलिए जो मैंने कल कंक्लूड किया था कि मुझे लग रहा है जो हल्की सी रैली है 32,000 से 38,000 की, ये फेक रैली है, ये दिखाया जा रहा है। अगर आप वीडियो का पहला पंप 2 मिनट भी देखेंगे तो मैंने बोला था ये पंप आपको दिखाया जा रहा है, क्या ये वास्तव में एक पंप है? ये तब तक वो पंप नहीं होगा जब तक हम 40 से 42,000 डॉलर जो है क्रॉस नहीं करेंगे, और ये पूरा यूट्यूब यूनिवर्स आपको सुनने में आ रहा होगा यही कह रहा है, क्योंकि तब तक जो है डेफिनेटली मैनिपुलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारी इस वीडियो का मेन मकसद जो है वो बिटकॉइन के रेक्ट के बारे में नहीं है। आप जानते हैं, अब कम से कम लोग जो है बिटकॉइन पे और ऑल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग ले रहे हैं, लॉन्ग लीवरेज कम है, तो ये खुशी की बात है, लोग सीख रहे हैं, लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में नहीं आ रहे हैं। पर जो लोग ऑल्ट कॉइन्स के लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, ये आज की वीडियो मैंने खास उनके लिए बनाई है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स तो डेफिनेटली रेक्ट होते ही हैं जब वो ज़्यादा हाई लीवरेज लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में भी अगर आपकी चॉइसेस गलत हैं तो आप रेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे और मैं क्यों बिलीव करता हूँ,
पहले मैं एक लास्ट में बस ये कंक्लूड कर लूँ, बिटकॉइन का ट्रेंड इस समय कहाँ दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि कल हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है, तो मुझे आज कवर करना जरूरी है बिफोर आई फॉरगेट दिस। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा 100 डेज EMA है, इसके नीचे 100 डेज मूविंग एवरेजेस SMA और उसके नीचे 200 EMA है। तो इसका क्रॉस मैंने, अगर आपको कुछ दिनों पहले आपने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको एक वार्निंग दी थी कि इनका जो क्रॉस बनता है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है और बिटकॉइन के प्राइस को हो सके तो इस 100 EMA के भी ऊपर रहना चाहिए। अगर इसके नीचे हम जाते हैं और क्रॉस बनता है तो वो थोड़ा घातक हो सकता है, जैसा हमने आपको कई उदाहरणों के साथ जो है ये दिखाया था पास्ट की वीडियोज़ में। इस समय अगर हम ये ट्रेंड देखें तो हमने थैंकफुली 100 EMA को भी प्रोटेक्ट किया है। कल जो हमारा वीकेंड क्लोज हुआ है, वीक क्लोज हुआ है, उसमें हम 100 EMA के ऊपर ही बंद हुए हैं और फिर 100 SMA है और फिर 200 SMA है। तो ये जो लाइन है ये भी ऊपर जा रही है, दोनों लाइनें ऊपर जा रही हैं, तो वैसे वैसे हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो वीक दर वीक ऊपर जाता रहेगा। तो ये खुशी की बात है कि फरवरी के एंड तक या मार्च के मिडल तक हमारा जो सपोर्ट लेवल है ऊपर चला जाएगा। पर हमें अपने ऑल्टकॉइन स्ट्रैटेजी को यहाँ पर गौर करना है। शॉर्ट टर्म में हमें ये चीज़ देखनी है। सबसे पहला चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप जानते हैं अच्छे से, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर ऊपर जा रही है। इसके क्या मायने हैं सिंपल भाषा में बताएं तो, जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाती है, तो इसके दो अर्थ होते हैं, या तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऑल्ट कॉइन का गिर रहा है, या बिटकॉइन का प्राइस रिलेटिवली बढ़ रहा है और ऑल्ट कॉइन्स का रिलेटिवली कम बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है पिछले दो ढाई हफ्तों से। तो ये ट्रेंड अगर लगातार ऊपर जाता है तो बिटकॉइन के प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इसका मतलब ये मत माने कि बिटकॉइन $50,000 होगा और आपके ऑल्टकॉइंस ब्लीड करेंगे। बिटकॉइन अगर 40 भी होता है तो भी आपके ऑल्टकॉइंस रिलेटिवली कम बढ़ेंगे, बट अगर बिटकॉइन 30,000 जाता है तो आपके ऑल्टकॉइंस मल्टीपल टाइम्स ब्लीड करेंगे वाइल बिटकॉइन डोमिनेंस इज गोइंग अप। ये आप जानते हैं, इसके डेफिनेशन से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाने का मतलब है शॉर्ट टर्म में भी आपके ऑल्टकॉइंस की स्ट्रैटेजी खतरे में पड़ सकती है। तो एक ये चार्ट जो है हमें बहुत ध्यान से देखना है। और दूसरा चार्ट जो है दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, CryptoRank.com पर जाइए और अपने फेवरेट ऑल्टकॉइन को सर्च कीजिए। मैंने एग्जांपल के लिए तौर पे डाओ मेकर यहाँ पे एक कॉइन दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ, वो ये सिखाना चाहता हूँ कि आपके कॉइन्स की सर्कुलेशन कितनी बची है। आप समझ गए, जब आपका ICO आया था, चाहे इथेरियम है चाहे सोलाना है, तो वो टोटल सप्लाई वर्सेस एक्टिव अवेलेबल सप्लाई में कितना फ़र्क है। अब जैसे इसका उदाहरण दे, लेटेस्ट एक ICO है, 17 जनवरी को 10 सेंट्स का ICO है। ICO आते ही 87x हो गया। अब ये नाम मैंने जो है ना दोस्तों, ये मैंने अपने कमेंट में कल पढ़ा और मेरे को समझ में आया कि एक भाई साहब पूछ रहे थे डाओ मेकर में हमें लगाना है, ICO बहुत अच्छा है। अब क्या होता है, लोग ICO में लगाते हैं या तो पोस्ट ICO लालच में आ जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखना भूल जाते हैं। जैसे आप इसकी हायरार्की में जाएं तो सबसे पहले इसका राउंड आया था एक प्राइवेट राउंड, जिसमें इन्होंने 20% अपने टोकन जो है वो निकाले थे, और वो निकाले थे $4,200 पे, केवल $4,200 पे 20%। तो इस समय इन्होंने बहुत ही कम, क्योंकि वो प्राइवेट राउंड उनके CEO का ही होगा, तो ताकि वो $4,200 डालना कितना मुश्किल है। वो प्राइवेट राउंड जो एंड हुआ, वो प्राइवेट राउंड में उन्होंने $4,200 के लिए 20% अनलॉक किया। अधिकतर लोग इस चीज़ को देखते नहीं हो, पर जब इन्होंने ICO या IEO जो भी इनको बोलेंगे ये निकाला, तो इन्होंने $3,00,000 रेज किया, बट ये बताया नहीं कि कितना इन्होंने रिलीज़ किया मार्केट में। अभी डेटा आपको जो है कॉइन गेको पे या कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाएगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है। अब इस कॉइन में क्या होगा, 80% सप्लाई अभी आनी बाकी है। तो जब ये सप्लाई आएगी दोस्तों, तब ये डाओ जो है बहुत बुरी तरह से डंप करेगा, पर तब तक इसके प्राइस को ऐसे स्तर पे लेके जाया जाएगा कि आपको लगे कि आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं या आपके दोस्तों को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं और आप हायर प्राइस पे खरीदेंगे। तो ये ICO का सच इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं ये मार्केट से रिलेटिव भी चलते हैं, ठीक है। तो अगर इस समय डाओ मेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट अगर ऑल्ट कॉइन्स में ओवरऑल करेक्शन आती है, बिटकॉइन में करेक्शन आती है, तो इसमें जो है कई बार इतनी बड़ी करेक्शन आती है कि प्राइस जो है जीरो पर जा सकता है। तो आपको दो चीज़ों पर इस समय गौर करना है एज अ कंक्लूजन, एज अ समरी। एक तो आपको सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस पे निगाह रखनी है। अगर बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो आपके ऑल्ट कॉइन ज़्यादा ब्लीड करेंगे, तो आपको प्रिपेयर रहना है और उसके हिसाब से नई पोजीशंस लेने से बचना है। और अगर दूसरा, आपके ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से संजीदा हैं, थोड़े से संवेदनशील हैं, जैसे कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट इन टॉप 100 और टॉप 150 या टॉप 200, उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखिए। जैसे कुछ एक तो नाम भी आपको बता सकते हैं, जैसे एक्सी इन्फिनिटी है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को अच्छा रिटर्न दिया,
पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्सी इन्फिनिटी लेते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि भैया मोस्ट ऑफ द सप्लाईज येट टू कम इन द मार्केट, तो वो कभी भी जो है उसके फाउंडर्स इसको डंप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सप्लाई उनके हाथ में है। आज मार्केट में केवल 200 मिलियन टोकन अवेलेबल है, कल को 800 मिलियन और निकाल देते हैं तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई में गैप आ जाएगा। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि अगर आपके पास सेंसिटिव कॉइन्स हैं, चाहे फ्लोक ही इनू है, चाहे किसी भी तरह के कॉइन्स हैं जिनकी सप्लाई में गैप है, उनको आज ही कंसीडर कीजिए और एटलीस्ट आप पेपर पे नोट कर लीजिए कि आपके ऑल्ट कॉइन्स में कितनी सप्लाई मार्केट में आनी बाकी है। अभी इस चैनल का मेन उद्देश्य है एजुकेशन और आपको सिखाना, तो इसलिए ये चीज़ मैं कवर करना चाहता था जो मैंने पहले नहीं की कवर की है। यदि आप ऑलरेडी जानते थे तो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समझे हुए इन्वेस्टर हैं। बट अगर आपको नहीं पता था तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप गौर कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हर रोज़ जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। कल तो बल्कि हम दूसरी वीडियो भी लेकर आए थे जहाँ पर हमने आपको अगले 60 दिन का भी हाल प्रेडिक्ट किया था। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ऊपर लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।